सकते हैं। आदि गालो निशी तागिन आपातानी मोनपा शेरदुकपेन आका मिजी पाइलीबो बोरी बोकार नोक्ते तांगसा, ये सारे मेरे संतानें अपनी जिंदगी की खुशियां बटोरते हैं। मैं भारतवर्ष के आज़ादी के समय तक बाकी दुनिया से अनजान अजनबियों की जिंदगी जी रहा था। कोई मुझे पहचानते ही नहीं थे। समय समय पर मुझे कई नामों से पुकारा गया, फ्रंटियर ट्रैक, फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, किसी ने मुझे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा, किसी ने मुझे पैराडाइज ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स कहा। सन 1987 को मुझे एक नई पहचान मिली, मेरा नाम हुआ अरुणाचल प्रदेश। बाहर से देखने पर मैं एक खुश मिजाज आदमी लगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मन के भीतर खालीपन है, भीतर बदन में गांठें पड़ गई हैं, थूक और पित्त से भरी हुई गांठें पड़ गई हैं। इन गांठों से खून नहीं गुजरते, मैं कारणों को तलाशता रहता हूँ कि ये गांठें आखिर क्यों पड़ गई हैं। मैंने अश्वत्थामा की तरह पांडवों के 5 मासूम बच्चों की हत्या नहीं की थी कि द्रौपदी मुझे फटी हुई छाती से श्राप दे और कहे कि हे अश्वत्थामा, तूने मेरे 5 मासूम बच्चों की हत्या की है, इसलिए मैं तुझे फटी हुई छाती से श्राप देती हूँ कि तेरे बदन में थूक और पित्त से भरी हुई गांठें हो और तू जिंदगी भर तड़पता रहे, ना तू जी सके और ना मर सके। मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया है। शायद मेरी पहली पीढ़ी के बच्चों ने आपस में राजनीति करना सीख लिया है। एक के छाती पर खड़े होकर दूसरे ने मुस्कुराना सीख लिया है। मैं तो जमीन ठहरी, ये भी समझा नहीं सका कि भाई भाई आपस में बांटा नहीं करते। या फिर एक पिता होकर मैं अपने बच्चों को समझा नहीं पाया कि मेरा वजूद की भाषा, संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज में है। मुझ में शब्दों की कमी है या उनमें तमीज नहीं है, समझ में नहीं आता। आज मैं शायद खुद को खत्म होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। शायद मुझे बेटियों की चीखें सुनाई दे रही है जिनको मैंने चंद मिथुनों के लिए उम्र से पहले शादियां करवा दी थी। बेटों को सिर्फ पढ़ाया और बेटियां पीछे रह गई। मेरे कुछ बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं, मेरे पास आकर कहते हैं, पापा मैं बीए पास हूँ, एमए पास हूँ। लेकिन अगले ही पल मैं क्या देखता हूँ, देखता हूँ कि अपने दोस्तों के पास जाकर शराब पीता है छिपकर, और कहता है साला बेसिक ही खराब है, कीड़ा खाया हुआ उस पेड़ की तरह हूँ जो बड़ा तो हो गया है लेकिन जिसमें फल नहीं लगना तय है। खुद को धोखा दे रहा हूँ और अपने पापा को भी साथ में धोखा दे रहा हूँ। शायद मैं पिता होकर अपने बच्चों के लिए नौकरियां नहीं खरीद पा रहा हूँ, हर एक टेबल के नीचे मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, नौकरियों के गुप्त नीलामियों में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। शायद कुछ बच्चों ने उम्मीद जगाई कि नेता बनकर बदल देंगे मुझे, पर कहाँ, उनको अपने घर, गाड़ी, आलिशान मकानों से फुर्सत कहाँ। उम्र की जिस दहलीज पर आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ और होना चाहिए था। कोई शहर होता तो मैं शंघाई होता, पर मैं अंधेरे में क्यों जिंदा हूं, किसको मेरा सरोकार है। कभी कभी तो मन करता है कि खुद को बोटी बोटियों में काट दूं और हर टुकड़े में लिख दूं कि काश तुम लोगों ने मुझे समझा होता, या तो मैं कुछ और होता। मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस पीढ़ी का इंतजार करूंगा जो मुझे सही मायने में अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, सपनों का अरुणाचल। यहाँ के माओ की कोख इतनी सूनी नहीं है कि हुनर को जन्म ना दे सकें। सुना है कहीं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर,
ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये बिजलियों ये आंधियों के पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, कभी तो होगी इस चमन में भी बहार का मिलन।